कानून ये बोलता है कि तू जिधर तक आया वो तेरे तजुर्बे के वजह से आया अगर उधर से ऊपर जाने का है वो लेवल का पढ़ाई को बढ़ा और पढ़ाई से होता है ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम में अभी आया तो आपको कुछ पढ़ाई हुआ यस और नो अभी देखो बहुत सारे लोग आज आए नहीं तो वो लोग को अभी ये पढ़ाई नहीं हुआ वो सोचते रहेंगे कि उनका जो इनकम है वो तजुर्बे की वजह से बढ़ेगा लेकिन बढ़ने वाला नहीं है देर फोर एक होता है ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने से दूसरा किताबें पढ़ने से चौथा ऑडियो वीडियो बाहर अगर आप देखेंगे हर क्षेत्र के बारे में मैंने बात किया हुआ बहुत सारे ऑडियोस और वीडियो से अलग 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 एरिया में आपके पास ऑडियोस और वीडियो से अगर आप ये खरीदेंगे तो आप जब उसको सुनेंगे जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पढ़ाई यानी आपका एजुकेशन बढ़ता जाएगा वो ऑडियो से वीडियो से किताब से ट्रेनिंग प्रोग्राम से या बड़े बड़े जो फनकार हैं, अपने लाइन के जो बड़े गुरु लोग हैं जो लाइन में काम कर चुके हैं और जो अचीवमेंट कर रहे हैं उनका एक 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 बात को समझ लेने का लेकिन किसका बात को समझने का जो साला रिवॉर्ड लेके कॉन्ट्रीब्यूशन करना बंद किया उसके चक्कर में नहीं पड़ना शायद आज वो सला डायमंड रहेगा खतरा लेकिन क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रीब्यूशन भूल गया है उसके संगत में रहेगा तो गलत चीजें सीखेगा देरफोर संभालने का कहने का मतलब ये है कि जो आदमी लगातार पढ़ रहा है लिख रहा है अपना नॉलेज को बढ़ा रहा है दैट इज वाई मैं रोज एक घंटा रीड करता हूं क्योंकि मेरे को लाइफ टाइम ग्रोथ चाहिए मैं 21 में भी सक्सेसफुल था इकतीस में भी सक्सेसफुल था इकतालीस में भी सक्सेसफुल था मेरे को इक्यावन में भी सक्सेसफुल रहने का इकसठ में भी सक्सेसफुल रहने का है इक्यासी में भी सक्सेसफुल रहने का है देर फोर मैं बहुत पढ़ाई करता हूं हर दिन रात को हर दिन रात को मैं अपना पढ़ाई को बढ़ाने के लिए हर दिन रात को अपना पढ़ाई को बढ़ाने के लिए आई एम माई टीचर बोल के एक बुक है कि आज आई एम मै टीचर बोल के ये बुक है आई एम मई टीचर बोल के बुक में हर रात मेरे लाइफ में होने वाले प्रॉब्लम्स और आज मैं कहां कहां पर हारा आज मैं कहां कहां पर हारा आज मेरे हाथ से जो जो नुकसान हुआ आज मैंने किसी को चिल्ला दिया और उसने रिजाइन किया आज मैंने कोई गलत स्टेप लिए और उस गलत स्टेप की वजह से मेरे हाथ से नुकसान हुआ जो नुकसाने हुआ हर दिन रात को मैं उसको लिखता हूं जो नुकसाने हुआ हर दिन रात को मैं लिखता हूं हर दिन रात को मैं लिखता हूं हर पेज में हर दिन रात को मैं लिखता हूं कि मैंने आज क्या गवाया आज मैंने क्या गवाया ये देखो तीन तारीख अप्रिल ये चार तारीख ये छह तारीख ये इस तरह से हर दिन आठ अप्रैल हर दिन मैंने क्या गवाया और मैंने उससे मतलब राइट डाउन द सेटिंग मैं उस सेटिंग लिखता हूं मैंने क्या गलत काम किया और इस गलत काम को मैं कैसा इंप्रूव करूंगा और उसके लिए मैं क्या एक्शन लूंगा हर दिन मैं ऐसा लिखता हूं क्योंकि मेरे को अपना क्योंकि गलत काम किया और उसको सुधारा नहीं तो गलत काम मेरा तजुर्बा हो गया यस और नो तो फिर मेरा सारा तजुर्बा कल रात आज मैंने जो गलत काम किया वो मेरा अगर तजुर्बा बन गया और आज इस तजुर्बे की वजह से नुकसान हो गया इसी तजुर्बे को रिपीट करूंगा तो मेरे को बड़ा और नुकसान होगा देर फोर मैं ये बुक लिखता हूं कॉल फॉर चेंज बोल के मेरा एक सी है कॉल फॉर चेंज कॉल फॉर चेंज सी के साथ साथ ये बुक खरीदने का और रोज रात को अपने लाइफ में हुआ हुआ लफड़ों को लिखने का एक एक भी एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया तो लाइफ में आप लगातार आगे बढ़ सकेंगे इसी तरह से हर दिन मैं एक किताब लिखता हूं जिसका नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ये जो राइट साइड का बुक है ये मैं लिखता हूं मैं कृतज्ञ रहता हूँ हर वो इंसान का जिसने मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ने का यू नो मौका दिया ग्रेटफुल रहता हूँ ग्रेसफुल रहता हूँ ये मैं रोज रात को लिखता हूं जैसे कल रात को मैंने लिखा ये पूरा कि कल ऐसी कौन सी पांच बातें हुई जो मैं जिंदगी से खुश हूं मेरे को यू you नो know, ये कल का ये उसके पहले परसों का ऐसा रोज़ मैं लिखता हूँ ये पंद्रह तारीख़ सोलह तारीख सत्रह तारीख़ अठारह तारीख रोज रात को मैं अपना एक्सपीरियंस को अगले लेवल पे लेके जाने के लिए लर्निंग करता हूँ इसी तरह से रोज मैं अपना एक किताब लिखता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर कि मैंने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आज मैंने क्या किया इस तरह से मैं तीन चार अलग अलग अपना किताब लिखता हूँ बिकॉज मेरे को एक कानून बहुत साइम पहला मालूम पड़ा और वो कानून का नाम है हमेशा आपके पढ़ाई यानी मेक योर एजुकेशन एंड लर्निंग बिगर देन योर एक्सपीरियंस यानी आपका एजुकेशन और लर्निंग आपका पढ़ाई आपका तजुर्बे से ज्यादा रहना चाहिए और जो आदमी तजुर्बे को ज्यादा मान देता है वो आदमी लाइफ टाइम ग्रोथ से वंचित हो जाता है उसके लाइफ में ग्रोथ होना बंद हो जाता है उसके लाइफ में डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है और ये बात बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं एंड देर फोर ये कानून है ये कानून है ये लॉ है इसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलती इसमें तुम्हारी मनमानी नहीं चलती देर फोर हर दिन हर दिन किसी ना किसी तरह का एक ऑडियो वीडियो या किसी ना किसी तरह का रीडिंग खाली न्यूज़पेपर का रीडिंग नहीं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र टाइम्स पढ़ लिया या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया या कोई न्यूज़पेपर पेपर बन लिया तो उसका एक्सपीरियंस उसका लर्निंग बढ़ जाएगा न्यूज से पढ़ाई नहीं बढ़ता न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन बढ़ता है इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी नॉलेज नॉलेज नहीं होता सो so, खाली न्यूज़पेपर पढ़ने से आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है देर फोर इंटेलिजेंट लोग जो लगातार जीवन में आगे बढ़े हैं इंटेलिजेंट लोग जो लगातार जीवन में आगे बढ़े उन्होंने पढ़ाई को ज्यादा मान दिया तजुर्बे को नहीं तजुर्बे को नहीं क्योंकि तजुर्बा जो मेरा है वो तो मेरे पास ही रहने वाला ना तो, तो किधर जाने वाला नहीं है। लेकिन सेम तजुर्बे से मैं अगला लेवल पर नहीं पहुंच सकता हूं मेरा सिल्वर का तजुर्बे से मैं गोल्ड पे नहीं जा सकता हूं मेरा गोल्ड के तजुर्बे से मैं डायमंड पे नहीं जा सकता हूं यह बात जानना बहुत ही जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स हैव यू ये हमेशा याद रखना यू नो, असीम प्रेम जी जो विप्रो का मालिक है बोलता मैं हर हफ्ते में दस घंटा रीड करता हूं हर हफ्ते में आज इंडिया का सबसे जाना माना पैसे वाला आदमी है जो विप्रो का मालिक है असीम प्रेम जी वो हर हफ्ते में दस घंटा रीड करता है दस घंटा रीड करता है जब हम में से कई लोग टीवी देखते होंगे तो ये आदमी बैठ के कुछ रीडिंग कर रहा है रीडिंग करने से या अच्छा कोई वीडियो फिल्म देख रहा है वो फिल्म देखने से उसको बहुत सारी समझ ज्यादा आती है किसी, किसी बुजुर्ग आदमी ने ये सब कानून मेरे को बताए थे वो बुजुर्ग ने एक बहुत बढ़िया सी बनाया था उस सीढ़ी में मैंने ये सुना था आज से 20 साल पहले 20 साल पहले जब सुना तो ये कानून मैंने अपने लाइफ में लागू करा डाला और ये सब कानून तब से मेरे अंदर चल रहे हैं बोल के 20 साल हो गया 25 साल हो गया लगातार मैं ग्रो हो रहा हूं लगातार पैसा नाम इज्जत शोहरत बना रहा हूं इस बात को मैं कभी भूला नहीं और यही बात मैं कल भी मैं अपना मैनेजर लोग के साथ बैठा था कल परसों के दिन मैं अपना टीम मैनेजर के साथ बैठा था मैं उनको लगातार पढ़ाई करवा रहा हूं नया चीजें पढ़ा रहा हूं उनको कल मैं सुनील नायर बोल के मेरा कलीग के साथ बैठा लीडरशिप के पांच बढ़िया लेसन मैंने उसको सिखाया क्योंकि वो लड़का सुनील नायर वो अपने तजुर्बे से लड़ रहा है मार्केट में मैं उसका अपलाइन हूं मैं उसका मैनेजर हूं मैं उसका बॉस हूं मेरा काम है उस लड़के को लीडरशिप के बारे में जो नहीं मालूम क्योंकि अच्छा वो वो भयंकर अच्छा सेल्समैन है, पिछले एक साल में सवा करोड़ रुपया अंदर किया उसने अपने कंपनी में लेकिन वो सेल्समैन का माफत काम किया ना वो सेल्स में था अभी क्या हो गया उसको मैंने दिया है चार लड़का लोग और लड़की लोग उसके नीचे अब सेल्समैन जब है जब वो मैनेजर बन जाता है उसको तजुर्बा किस चीज का है सेल्समैन का तजुर्बा है ना बाबा कैसा पब्लिक से काम निकालेगा वो क्योंकि वो खुद से काम निकाल रहा था ना वो खुद से काम निकालने का साले को तजुर्बा है औरों से काम निकालने के लिए तजुर्बा नहीं है थोड़ा दिन पहला मैंने उसके नीचे दस आदमी डाला था अभी चार कैसा हो गया पूछो मेरे को क्या हो गया विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुनील नायर मेरा कलीग बहुत ही फैंटेस्टिक बंदा है लेकिन फिर भी क्या हो गया वो आया मेरे को बोलता है, मेरे को ये आदमी के साथ काम नहीं कर मैं लग क्यू टाइम पे नहीं आता सर मैं अच्छा बोलता है, ये जो है इसके साथ काम नहीं करने का मैं क्यों इसको कुछ याद ही नहीं रहता साले को मैं उसको कुछ समझाता हूँ उसको कल पूछता हूँ मेरे को बोल मैंने तेरू कल क्या बताया बोलते सर वो याद नहीं मैं बोला अच्छा फिर ये बोलते है, ये क्या है ना सर ये झूठ बोलता है ये? ये सर इसको पढ़ने का ही नहीं ये इसका ये प्रॉब्लम है सर तो दस में से सीधा बोलता मैं बोला अभी तू फिर कितना आइटम के साथ काम करेगा बोलता मैं चार के साथ अभी थोड़ा दिन पहले आके बोलता है ये चार में दो जन का प्रॉब्लम है सर तब मेरे को समझ में आया कि भैया संतोष नायर इसको पढ़ाने का टाइम आ गया तो आजकल पिछले चार दिन से लगातार मैं उसको मिल रहा हूं क्योंकि मैं उसका अप्लाइन होना मेरे को पढ़ाना पड़ेगा ना या तो वो खुद पढ़े या मैं उसको पढ़ाऊं दोनों में से एक जरूर होना चाहिए वो खुद भी पढ़ता है लेकिन वो कैसा किताबें पढ़ता है वो है ना वो बड़ा बड़ा जो बड़ा बड़ा ऑथर लोग है ना जो बड़ा बड़ा ऑथर लोग जो ये दुनिया में जो इकोनॉमी चल रहा है इकोनॉमी को कैसा बढ़ाने का आगे पीछे वो कर रहा है लेकिन इधर आइटम दस है उसके नीचे वो लोग को कैसा आगे बढ़ने का वो बुक नहीं पढ़ रहा वो तो मेरा काम है मेरा काम है उसका पढ़ाई को इंक्रीज़ करना क्योंकि उसका जो तजुर्बा है उससे वो आगे नहीं बढ़ सकता उसका पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा उसका तजुर्बे से मेरे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसका तजुर्बा वो अपना लड़का लड़की लोग को समझाएगा लेकिन लीडरशिप का एक आदमी से कैसा काम निकालने का झूठ बोलने वाले को सच बोलने का रास्ता कैसा दिखाने का हरामी लोग को लाइन पे कैसा लेके आने का नॉन कॉपरेटिव आदमी को कॉपरेटिव तो आदमी कैसा बनाने का कॉपरेटिव आदमी को डायनामिक कैसा बनाने का टाइम पे न आने वाले को टाइम पे आने के लिए कलाकारी कैसा सिखाने का एक आदमी जो डाउन है उसको मोटिवेट कैसा करने का एक आदमी को कैसा उत्साहित रखने का इसका तजुर्बा नहीं है नायर के पास वो मेरे पास है अभी हमारा लीडरशिप कोर्स है मई में हमारा तीन दिन का लीडरशिप कोर्स है फॉर्चुनेटली वो दो कोर्स बैठा था कल जब मैं उसको बोला मैं बोला तू मेरे को लीडरशिप में क्या क्या सीखा सब बता तो बोलता सर एम वन एम टू एम थ्री एम फोर होता है मैं बोला हा करेक्ट एम वन यानि लो मेचोरिटी एम टू यानी लो टू मीडियम मेचोरिटी एम थ्री यानी के हाई मेचोरिटी एंड एम फोर यानी वेरी हाई मेचोरिटी अच्छा मैं बोला आदमी का मेचोरिटी का दो सिम्टम दो चीजों से मेचोरिटी बनता है चल बता एक आदमी मेचोर कभी होता है बोलता नायर साहब एक साइड में विलिंगनेस होता है एक साइड में एबिलिटी होता है विलिंगनेस होता है एबिलिटी होता है विलिंगनेस यानी करने की चाहत एबिलिटी यानी कि करने की काबिल मैं बोला अभी विलिंगनेस किससे बनता है बोलता सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ मैं बोला एबिलिटी किससे बनता है बोलता नॉलेज है से तजुर्बे से स्किल से मैं बोला अब तू चारों आदमी जो तेरा नीचे है उनका एक एक आदमी का एबिलिटी और विलिंगनेस पे मेरे साथ बात कर और मेरे को बता तू एम वन को कौन सा लीडरशिप स्टाइल देगा जब आदमी का तजुर्बा लो है तो उसको तू किस तरह का गाइडेंस देगा बोलता मैं एस वन लीडरशिप देगा यानी टेलिंग स्टाइल करेगा मैं बोला तू ये लड़का लड़की के साथ कर रहा है बोला नहीं मैं लग करने चालू कर रिजल्ट दो दिन में आएगा अगर आप में से भी किसी को हमारा लीडरशिप कोर्स करना है तो बाहर लीडरशिप का फॉर्म मिलेगा आपको और मे का प्रोग्राम है तीन दिन का पूरा दिन भयंकर प्रोग्राम होने वाला है वो प्रोग्राम अटेंड कीजिए लीडरशिप का तीन दिन में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग तजुर्बे के लोगों से अलग अलग स्किल के लोगों से अलग अलग एटीट्यूड के लोगों से कॉपरेटिव आदमी से कैसा काम निकालने का नॉन कॉपरेटिव से कैसा नाम निकलने का हरामी लोग से काम कैसा निकालने लुच्चे लोग से कैसा काम निकालने का इनो झूठ बोलता है उसको कैसा सच का रास्ता जिसको याद नहीं रहता उसको याद कैसा रखवाने का उसका क्या फॉर्मूला है हमसे कहेंगे ना साला, क्योंकि मेमोरी के भी टेक्निक्स है so, कहने का मतलब यह है ये लॉ है बाबा लॉ है ऑलवेज मेक योर पढ़ाई बिगर देन योर तजुर्बा पढ़ाई को ज्यादा मान दो तजुर्बे को नहीं क्योंकि तजुर्बा किधर जाने वाला नहीं वो तेरे पास ही रहेगा मिश्रा वो तेरा बोलने का तजुर्बा हो सकता है तेरा काम करने का तजुर्बा हो सकता है मीटिंग लेने का तजुर्बा हो सकता है लोगों को मोटिवेट करने का तजुर्बा हो सकता है लेकिन तजुर्बे से खाली काम नहीं चलेगा तेरे को अगले लेवल पे जाना ही पड़ेगा देर फोर जरा जोर से बोलेंगे जब मैं वन टू थ्री फोर बोलूंगा तब बोलना हमेशा अपना पढ़ाई को अपना तजुर्बे से बड़ा होना चाहिए आर यू रेडी वन टू थ्री फोर और सबसे पहला वाला क्या था सबसे पहला वाला क्या था हमेशा अपना फ्यूचर को अपने पास से बड़ा बनाना चाहिए और दूसरा वाला क्या था हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन अपने रिवॉर्ड से ज्यादा रहना चाहिए ना तो कानून नंबर फोर हमेशा आपका परफॉर्मेंस आपके तालियों से ज्यादा बढ़ा रहना चाहिए इसमें और सेकंड वाले में कंफ्यूजन की गुंजाइश है देर फोर ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं पहले वाले में मैंने कहा हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन अपने रिवॉर्ड से ज्यादा बनाइए तो कंट्रीब्यूशन करना है दूसरों के लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूशन करना अब मैं बात कर रहा हूं हमेशा अपना परफॉर्मेंस को अपने तालियों से यानी अपने applause, 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 applause या तालियों से ऑलवेज मेक योर परफॉर्मेंस बिगर देन योर अपलॉस हमेशा अपना परफॉर्मेंस को अपने तालियों से ज्यादा बढ़ाना चाहिए अब क्या हो जाता है बहुत सारे लोगों को उन्होंने कुछ किया परफॉर्मेंस किया तो क्या मिला उसको बहुत सारा तालियां मिला उसको गले में हार पहनाया उसको ताम्रपत्र दिया उसको सला शॉल चढ़ाया यह किया वो किया तो उसने उसको तालियां मिला अब क्या हो जाता है कोई कोई आदमी को जैसी थोड़ा टाइम चला जाता है उसको तालियों से मोहब्बत हो जाता है तो वो क्या करता है जिस चीज ने उसको ताली दिया उसी को रिपीट करता हो जिस चीज ने उसको ताली दिया उसी को रिपीट करता है यह उम्मीद में कि तालियां और गड़गड़ाहट के साथ बजेगी लेकिन तालियां फिर कम होने चालू हो जाती है लोग फिर मीटिंग में आने कम चालू हो जाते हैं क्योंकि अब इस आदमी को परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं है परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं है देर फोर परफॉर्मेंस ही है जिसकी वजह से आपको तालियां मिली और जब एक आदमी का टोटल फोकस तालियों पे होता है वो अपना पास्ट को रिपीट करके चालू कर देता है इस तरह से जिस चीज के लिए ताली मिली थी उसी को रिपीट करने की वजह से तालियां मिलना बंद हो जाता है रिकॉग्निशन मिलना बंद हो जाता है नान सम्मान मिलना बंद हो जाता है और आदमी खलास होने चालू हो जाता है देरफोर मैंने आप सचिन तेंदुलकर को देखो कितना साला ताली मिला लेकिन टेस्ट मैच में भी उसने मैक्सिमम सेंचुरी बनाया उसने फिर वन डे मैचेस में फिर 1 डबल डबल डबल, डबल सेंचुरीज बनाए 2020 में भी लोगों ने बोला ये खड़ा नहीं रह सकता ये वो करके क्योंकि बहुत इसको ताली मिला अभी उसने वहां पर भी काम कर दिया कितना भी ये लोग के लाइफ में तालियां आए इन्होंने तालियों पे कभी मान नहीं दिया कभी उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक चीज इनको पक्का मालूम था कि लोग तालियां परफॉर्मेंस के लिए बजाते हैं लोग तालियां तालियों के लिए नहीं बजाते हैं लोग परफॉर्मेंस के लिए बजाते हैं जब तू पल से एमरल you know, बनेगा एमरल से जब तू गोल्ड के तरफ जाएगा और गोल्ड से तू जब प्लेटिनियम के तरफ जाएगा तो तालियां तो तेरे को मिलने वाली है लेकिन सिर्फ प्लेटिनियम लेके खड़े रह के वही प्लेटिनियम का स्टोरी सुना के तेरे को तालियां मिलेंगे नहीं ये बात पक्का है थोड़े दिन के लिए मिलेंगे बाद में लोग बोर हो जाएंगे देरफोर दुनिया के सबसे बड़े फनकार आशा भोसले ए आर रहमान ये सब लोग कभी भी तालियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कितना भी मान सम्मान स्वागत और क्या बोलते तुम लोग उसको नो हम क्या देते हैं उसको मेरे को कई कई बार मेरे को घोड़े बीड़े पे स्टेज पे लाया यू you नो know, बड़ा इधर घोड़े बीड़े स्टेज पे मतलब के जगह पे घोड़े बीड़े पे लाया कभी इधर लाया एक बार तो मेरे को ऊपर से नीचे उतारा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा लेकिन मैं मन में सोचा ये नायर ये सब ये लोग तेरे परफॉर्मेंस के लिए कर रहे जो दिन तेरा परफॉर्मेंस खत्म हो गया ये घोड़े का लाच से तेरा बैक साइड में मारेगा जब तक मैं परफॉर्म करूंगा तब तक तालियां मिलेगी जो दिन मेरा परफॉर्मेंस गया मेरा तालियां कर। लेकिन जिन लोगों ने तालियों को कई लोगों को तो तालियों नहीं मिला ना तो फिर भाड़े पे आदमी लाके तालियां बजवाते। फिर जबरदस्ती मैंने एमएलएम में देखा चलो बजाओ 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 ताली बजाओ बजाओ ताली बजाओ बजाओ सला बोलता है बच्चे जो सुन रहा है बोल क्या फालतू क्या बजाने का कुछ ऐसा बात ही नहीं कर रहा तालियों बजाने के लिए और जब उसको नहीं मिलता तो और भी गुस्से में आ जाता है और फिर वो बोलता है पब्लिक आजकल बराबर नहीं है पब्लिक आजकल कोपरेटिव नहीं है पब्लिक आजकल ताली नहीं बजाता है वो पहला वो लोग बहुत बजाता था पहले अभी नहीं बजाते हैं मजा नहीं आ रहा है अभी लोगों में एंथुजियाजम नहीं है अब साले लोगों का एंथुजियाजम नहीं है तेरा परफॉर्मेंस में दम नहीं है तेरा परफॉर्मेंस में दम नहीं है तो तू ढंग का बात करेगा तो लोग ताली बजाएंगे बजाएंगे क्यों नहीं बजाएंगे बजाय बेवकूफ है क्या लोग अगर उनको कुछ मतलब की बात समझ में आई तो लोग बजाएंगे इतना तो बुद्धि साला फिफ्थ स्टैंडर्ड फेल आदमी भी रखता ही है ऑटो वाले को भी ढंग का बात करेगा डॉक्टर को ढंग का बात करेगा पोस्ट ऑफिस वाले को ढंग का बात करेगा ढंग का बात करेगा तो कोई भी ताली बजाएगा फालतू बात करेगा खाली सला बोल बजा 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 बोले तेरा ही बजा के बेच जाएगा वो लोग देयरफॉर याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स कि कभी तालियों पे ध्यान न देना क्योंकि तालियां ग्रोथ स्टॉपर्स है तालियां ग्रोथ स्टॉपर्स है जिस आदमी को ताली से मोहब्बत हो जाता है उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है फिर वो क्या करता है जिस चीज के लिए ताली मिला उसी को रिपीट करते रहता है और तालियां बंद हो जाती है एंड देयरफॉर लाइफ टाइम ग्रोथ का बात कर रहा हूं जिंदगी भर आगे बढ़ने की लॉस के बारे में बात कर रहा हूं वन टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं सम टाइम ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूं एवरी टाइम ऑल द टाइम जिंदगी भर ग्रो होने की बातें कर रहा हूं मैं और कई सालों तक और फर्क नहीं पड़ता कहां पर काम कर रहे क्या काम कर रहे किधर है क्या नहीं है जिधर भी ये क्वालिटी आप में रहेगा जिंदगी भर आपका रहेगा तो आज आप आरएमपी में हैं पांच साल साल दस साल पंद्रह साल बीस साल आप आरएमपी में रहेंगे क्योंकि ये कंपनी तो ग्रो होता रहेगा लेकिन आपको ये सब सोचना नहीं आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका परफॉर्मेंस लगातार जिधर भी है जो भी है जहां पर भी है आप आप अपना परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए तालियों पर नहीं लोगों का सत्कार बित्कार मेरे को कितना सत्कार मिला एवरी टाइम जो रात को मैं सत्कार लेके आता हूं मेरे को क्या क्या फोटो ये वो कभी सिल्वर का थोड़े दिन पहले शिव खेरा साहब ने मतलब एक मीटिंग हुआ था शिव खेरा साहब के हाथ से मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया मैंने वो अवार्ड को ही छुपा दिया साला बहुत सारे लोग क्या करते हैं सब ऐसा हैगा के रखते हैं रोज ऐसा देखता तो मैं तो पू मैं तो पू मैं तो फटकड़ी हूँ फोर्टी सेवन हूँ ऐसा उसको लगता है बाद में क्या हो जाता है वो जो चीजों ने उसको वो लाया ना ये सब जो चीजों की वजह से उसको मिला वही वो, वो रिपीट करता है थोड़ा दिन के बाद ये सलाह फटकड़ी मतलब ये जो ए के फोर्टी सेवन लक्ष्मी बम वो अपने आप को सोचता था सलाह एकदम अपटी बम हो जाता क्योंकि उसको रोज मैं इसके लिए कभी भी कोई चीज को डिस्प्ले नहीं करता हूं मेरे मेरे को यूरेका फोर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर्स ट्रॉफी ये ट्रॉफी वो ट्रॉफी जितना मिला जब मैं यूरेका छोड़ा मैंने वो सब ट्रॉफी ऑफिस में छोड़ के आया घर में लेके नहीं आया क्योंकि ट्रॉफिया देखने से सला किधर मेरे को खोपड़ी में बात चला गया तो खोपड़ी में बात चला गया तो मैं कुछ बाप बन गया करके मैं जमीन छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार मेरा ग्रोथ बंद हो जाएगा ताबड़ तो मेरा ग्रोथ बंद हो जाएगा ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाएगा और मैं अपना ग्रोथ को बंद होने नहीं दे सकता हूं दैट इज अ रीजन कभी भी तालियों पे ध्यान नहीं देना क्योंकि हमेशा याद रखना जैसे सचिन तेंदुलकर को एक ही याद रखना है यार मेरे को सेंचुरी मारना है परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हमेशा ये लड़का याद रखा है चलो सोलह बरस में ज्वाइन किया आज पैंतीस बरस होने को आया बीस साल से खेल रहा है एक ही चीज उसका क्लियर है साला जो दिन परफॉर्मेंस नहीं रहेगा यही इंडिया मेरे को लात मार के भगा डालेगा और जब तक परफॉर्मेंस रहेगा ये मेरे को एयरटेल वाला भी एड देगा मेरे को पेप्सी वाला भी एड देगा मेरे को ये वाला भी एड देगा मेरे को उधर से बुलाएंगे इधर से बुलाएंगे मेरे को ये टीवी शो में बुलाएंगे वो टीवी शो में होल्डिंग में, में मेरा नाम होएगा होल्डिंग में मेरे को लेके घूमेंगे मेरे को हर टाइप का एंडोर्समेंट मिलेगा मेरे को पैसा मिलता रहेगा परफॉर्मेंस चाहिए तो ये जो लोग हैं सिंपल लोग हैं ये जो लोग हैं सिंपल लोग हैं, इनकी बात उनको समझ में आ गई है ये सब बातों की आनंद महेंद्र महेंद्र एंड महेंद्र का इनको ये बात समझ में आ गया लगातार अभी इन्होंने सत्यम को खरीदा हमेशा ये लोग अपने परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं कितना तालियां मिला इनको महेंद्र एंड महेंद्र को पिछले दस पंद्रह साल में बहुत तालियां मिला कि यहां डेवलपमेंट हो रहा है यहां डेवलपमेंट हो गया ले इसको ये देखता भी नहीं हो देखता भी नहीं है तो ये सुनील मित्तल ये एयरटेल का मालिक कितना ताली मिला ये वो आदमी है जो साइकिल का स्पेयर पार्ट बेचता था आज इंडिया में एक लाख दस हजार करोड़ का इसका कंपनी का वैल्यू है एक लाख दस हजार करोड़ साइकिल का स्पेयर पार्ट बेचता था ये सुनील मित्तल एयरटेल का मालिक भारतीय एयरटेल का मालिक इनको एक ही चीज मालूम है कि आज मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मैं कमा रहा हूं मेरे परफॉर्मेंस की वजह से मेरा नाम है मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मेरा इज्जत है मेरा परफॉर्मेंस की वजह से मेरा शोहरत है और यह मेरे को हमेशा याद रखना है मैं तालियों को याद नहीं रखूंगा वो तो लोगों का मान सम्मान है उन्होंने मोहब्बत किया ताम्रपत्र दिया किसी ने शॉल पहनाया किसी ने सर्टिफिकेट दिया किसी ने बड़ा सा प्लेट दिया उसमें नाम एनग्रेव किया जो भी करना हो तो नमस्कार लोगों ने अच्छा किया यू नो अभी ये हैरी पॉटर जो जे के रोलिंग बोल के लेडी है उसने हैरी पॉटर वन हैरी पॉटर टू थ्री फोर फाइव सिक्स जैसे जैसे उसने हैरी पॉटर का सीरीज निकाला जैसे जैसे उसने किताबें लिखा वैसे इसे उसको इतना तालियां इतना तालियां 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 इतना नाम इज्जत रिकॉग्निशन वर्ल्ड में उधर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का अवार्ड अमेरिकन अवार्ड इधर वाले फिल्म वाले ने अवार्ड दिया इधर बुलाया जा रहा उधर बुलाया जा रहा ये मीटिंग में बुलाया जा रहा वो मीटिंग में बुलाया जा रहा हर हर महादेव सब जगह उसकी बात हो रही है वो चुपचाप अगला किताब लिख रही है बिकॉज जो जो किताब के लिए ताली मिलना था तो मिल गया अगर आगे ताली को मेंटेन रखना है तो नया बढ़िया किताब तो उतरना ही पड़ेगा नया फिल्म तो बनाना ही पड़ेगा बि आमिर खान को तुमने लगान के लिए बना दिया मतलब ताली बजा दिया और वो उस पर खुश हो गया रोज जाके सला सबको लगान ही दिखा रहा है रोज जाके लगान दिखाएगा तू कितना बार लगान देखेगा सला एक बार दो बार तीन बार लेकिन फिर उसने अगला पिक्चर बनाया फिर अगला पिक्चर बनाया फिर अगला पिक्चर बनाया अगला परफॉर्मेंस दिया फिर गजनी में और सारा कार्यक्रम इधर उधर बॉडी बीडी बना के कार्यक्रम नया आइटम पेश किया उसने तो देखो सर 300 करोड़ रुपया अंदर कर दिया तो तालियां आज भी उसको परफॉर्मेंस के लिए, लिए मिल रहा है उसको लगान के लिए नहीं अभी गजनी के लिए ताली मारा आगे उसको गजनी के लिए ताली नहीं मिलेगा कानून नंबर फाइव कानून नंबर फाइव हमेशा आपका ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता जिसको बोलते हैं ग्रेसफुलनेस आपका सक्सेस से ज्यादा बड़ा होना चाहिए आज जितने भी लोग सो हमेशा आपका जो ग्रेटिट्यूड है कृतज्ञता जो है आपका सक्सेस से बड़ा होना चाहिए जितना ज्यादा सक्सेस मिलेगा उतना कृतज्ञ होने का उतना ग्रेटफुल होने का उतना ग्रेसफुल होने का अब क्या होता है मालूम है आदमी को सक्सेस मिलता है सक्सेस मिलता है तो तालियां मिलती हैं। तालियां मिलती हैं तो वो सोचता है साला मैं तो सब बन गया उसके बाद क्या हो जाता है थोड़े टाइम में उसका सक्सेस बंद हो जाता है। क्यों बंद हुआ क्योंकि आज जो भी कुछ वो बना है कई लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी दिया कई लोगों ने उसको अपॉर्च कभी कंपनी ने अपॉर्चुनिटी दिया था कभी टॉप लाइन ने अपॉर्चुनिटी दिया कभी अपलाइन ने अपॉर्चुनिटी दिया उसके माँ बाप ने उसको समझाया उसकी बीवी ने उसको प्रोत्साहन किया उसका बच्चों ने सपोर्ट किया उसका बड़ा भाई जो उसके घर में रहता था उसने सपोर्ट किया दुनिया ने उसको सपोर्ट किया लोगों ने उसको सपोर्ट किया डाउन लाइन ने सपोर्ट किया कंपनी के प्रोडक्ट्स ने उसको सपोर्ट किया कंपनी का एक्सपेंशन प्लान ने सपोर्ट किया कंपनी का एम डी का सोच ने उसको मजबूत किया कंपनी के फिलोसफी ने उसको मजबूत किया हजारों फैक्टर्स हुए जिसके वजह से उसको सक्सेस मिला हजारों फैक्टर्स हुए लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ये जो लोग हैं जिनका ग्रोथ बंद हो जाता है वो क्यों बंद हो जाता है क्योंकि उनको वो लोग फिर बोलने चालू हो जाता है कि मेरे जैसा हार्ड वर्कर कौन नहीं है मेरे जैसा कोई नहीं तो सोच सकता है आज जो भी कुछ हुआ है मेरे वजह से हुआ मेरे वजह से हुआ मेरे वजह से हुआ सब कुछ मेरे वजह से हुआ आज जो भी टीम खड़ा मेरे वजह से हुआ मेरी बुद्धि मेरा कैपेसिटी, मेरा डिटर्मिनेशन मेरा एबिलिटी मेरा काम मेरा विचार मेरा सोच मेरा सब कुछ सब कुछ मेरे वजह से हुआ 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 जैसे वो बोलने चालू हो जाता है बंद ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाता है ऑन द स्पॉट ग्रोथ बंद हो जाता है जब वो आदमी बोलने चालू हो जाता है कि एवरीथिंग इज बिकॉज़ ऑफ मी हे सगळं काय झालं फक्त माझच मुळं आणि मी याचा कर्ता धर्ता आमज मुळं इकडे इकडे क्राउड आला आणि मी आहे म्हणूनस या रंपी आहे मी आहे म्हणूनस टीम आहे मी आहे म्हणूनस सगळं काय इकडे मिवा इन नहीं मैं काटी है तुम्हारा महित है का <प्राविण> तो जैसे ही अरे तेरे को आज दस हजार आदमी लोग आए दस हजार आदमी कहाँ से आए पहला वो एक आदमी आया फिर उसने पाँच को लाया फिर दस लाया फिर पंद्रह लाया वो पहला एक आदमी फिर वो दूसरा आदमी फिर वो तीसरा आदमी फिर वो चौथा आदमी एक एक आदमी लोग ने एक एक लोगों ने एक एक तुम्हारे बॉस लोगों ने तुम्हारे ऊपर वाले ने तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को पैसा मतलब जब तुम डाउन थे तो तुम्हारा वाइफ ने तुमको इंस्पायर किया जब तुम डाउन थे तुम्हारा छोटा भाई इंस्पायर हो गया आज साल तू उस में घूमता है तो छोटा भाई को तो लात मार के भेज दिया स्टैंडर्ड लेकिन जो दिन में तू सला चड्डी में घूमता था तेरी औकात साली आठ आने की नहीं थी उसने तेरे को वो पहला हजार रुपया दिया था यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए वो हजार रुपया के सामने तू क्या बोलता है आज तेरा का हजार रुपए का वैल्यू नहीं है क्योंकि वो हजार रुपया नहीं होता ना तू बाप बापोड़ा में में घूमता नहीं था लेकिन कई लोग जिनका लाइफ टाइम ग्रोथ बंद हो जाता है जो इस बात को भूल जाते हैं आज तुम फैमिली के अंदर देखो बाप को सलाह हटा के भेज दिया भाई अलग सा रहने का चालू करता है वैल्यू नहीं रह गया कृतज्ञ नहीं है लोग और जैसे आज दैट इज बाय जितना ज्यादा सक्सेस मिलता है उतना ज्यादा ग्रेटफुल होने का उतना कृतज्ञ होने का उतना थैंक यू बोलने का अपनी बीवी को अपने बच्चे लोग अपने बॉस को अपने, लो अपने गुरु लोग लो कैसेट, कैसेट का पहला रूप बदला उसके डायलॉग्स उस कैसेट के कोई डायलॉग ने आपका पूरा आधार संभिला दिया आपका सोच को इतना बड़ा बना दिया आज आप सोचने चालू हो गए शकल माजस मुड़ाला सब कुछ मेरे वजह से हो गया साला उधर ही उधर ग्रोथ बंद हो जाता है उधर का उधर बंद हो जाता है फिर तू कितना भी ट्राई कर तेरा टीम टूटने चालू हो जाएगा तेरा दस का टीम साला सीधा पांच हजार मेंयर का टीम सला तीन सौ पे खड़ा हो जाएगा तू गाली देगा दुनिया को कंपनी को गाली देगा बाद में और ये लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं आजकल ये सपोर्ट नहीं मिलता है पहले के माफत नहीं रह गया पहले के माफ कंपनी नहीं रह गया पहले के माफ अपना अपना ही नहीं रह गया पहले के माफत ये नहीं पहला जैसा मजा नहीं है पहला जैसा ये नहीं पहला जैसा वो नहीं है सब ये फिर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसको उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता क्योंकि अभी उसका चलता नहीं है क्योंकि वो भूल गया कि वो जो भी कुछ बना हजारों लोगों ने उसको मदद किया था हजारों लोगों ने आज मैं जो भी कुछ हूं मेरा पहला बॉस अनिल कुमार गुप्ता जिसने सेल्स का मेरे को एक एक एक, एक चैप्टर एक एक चैप्टर बाय हार्ट करवाया संतोष ये ऐसा ओपनिंग करते हैं ऐसा प्रोबिंग करते हैं ये क्लोजिंग ऐसा होता है प्रोडक्ट को ऐसा पेश करने का अरे को समझाता हूं गोल का, करने का, अरे संतोष, रहने का उसके लिए ये टाइप का उसने एक के, एक के, के, के बारे में मेरे को बताया संतोष ये इंटरनल टाइड है यह इनवर्टेड टाइड है ये टैग ऑन टाइड है संतोष पिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं ये ऐसा कर ये ऐसा कर उसने मेरे को क्या सिखाया था छ महीना तक मेरा बॉस था वो छह महीने में जो उसने 1985 में 25 साल पहले बताया आज भी रोज वापरता हूं आज भी उसके वजह से मैं पैसा बना रहा हूं वो अनिल कुमार गुप्ता जिसने 19 बरस की उम्र में मेरा उंगली पकड़ के मेरे को एक एक बातें उसने सिखाया उसका अगला बॉस मेरा अगला बॉस मिसेस लीलू बत्रा एकदम हरामी टाइप औरत थी वो लेकिन उसने मेरे को लीडरशिप का हर लेसन सिखाया क्या उसने जो जो किया मतलब उसने सब लफड़े किए मतलब जो हेरा फेरी लोचा लफड़ा पब्लिक को टोपी लगाना पर्सनल चेक डालना पैसा लूटना अभी अपना भी कंपनी में बहुत सारे लोग जो है ना वो कंपनी का पैसा लेके अंदर करके उसको वापस डालते हैं फिर बोलता है आता माजा तर लफड़ा जा रहा है ते तिकड़े मैं दिल माला नो तो माही न तो मैं नंतर देतो ये वो करके जो ऐसे लफड़े किए हैं ना ऐसे बहुत आरम्भ में लोग लफड़े करते हैं इधर भी बैठा रहेगा एक दो आइटम ऐसा मेरी सेकंड बॉस करने का हमेशा करती थी मैं उसको प्रणाम करता हूं कि उसने मेरे आंखों के सामने ऐसा नंगा किया ये सब देख के मेरे को लेसन सीखा कि संतोष अगर लाइफ में आगे बढ़ना है और किसी का इज्जत अगर अपने को चाहिए तो ये काम नहीं करने का तो मैं उसका भी कृतज्ञ हूं कि उसने सब जो गलत काम किए वो ना करती तो शायद मैं गलती से वो करता और जो उसको बर्बादी हुई वो मेरे लाइफ में भी बर्बादी होती तो मैं उसका भी कृतज्ञ हूं <laughs> मिस्टर राजेश मल्होत्रा जो मेरा थर्ड बॉस था उसने मेरे को बताया कि हिम्मत क्या चीज होता है अरे मर्डर करके जाने का कोई भी आदमी मल्होत्रा करके गया मल्होत्रा ब्रांच मैनेजर सेल्स मैनेजर होते थे बाद में अगर समझो अपन उसके पास घबरा सर अपने हाथ से एक बहुत बड़ा लपड़ा हो गया मैं नाडर का मर्डर कर दिया <laughs> तो वो ऐसा देखता था फिर अपने को। आ, तो बोले सर अभी अभी क्या घबराने का नहीं कभी लाइफ नॉट टू वरी मैं बैठा है ना खाली इतना ही डायलॉग मारता था मैं बैठा है ना जैसे उन्होंने ये डायलॉग मारा मैं बैठा हूं ना साला जो आदमी ने लफड़ा किया वो खुद ही अपना लफड़े को सॉल्व कर देता था खाली उनका एक डायलॉग क्या है मैं बैठा हूं मेरे को याद है माय डियर फ्रेंड्स मेरे को याद है मैं इंडिया का नंबर वन आज मैं बदल गया हूं, तब मैं भी थोड़ा एक अकडू टाइप आदमी था 1989 की बात कर रहा हूं 88 89 की बात कर रहा हूं मेरे पास 29 लोग थे मैं इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर था 3 साल से कंसेक्यूटिवली 3 साल से 1986 87 87 88 88 89 तीन साल से मैं इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर ये जो तीसरा साल जब मेरा ब्रांच मैनेजरशिप था तो मैं एकदम बुलंदियों पे था एकदम टॉप में था उस जमाने में यू नो बहुत सारे मेरे लड़के लड़कियां बहुत लड़के लोग जो है बहुत अच्छा बढ़िया काम किया था एक नया लड़का आया था विलियम परेरा बोल के वो नया लड़का आया था और वो हमारे साथ काम करता था छह सात महीने में वो मैं ब्रांच मैनेजर था सेल्समैन था ऐसा मेरे पास ट्वेंटी और सेल्समैन थे सब लोग काम करते थे लेकिन विलियम परेरा है ना मेरा बड़ा तारीफ बेरीफ करता था ना मेरे को नायर साहब तोप है नायर साहब पटकड़ी है नायर साहब ए फोर्टी सेवन है नायर साहब लक्ष्मी बॉम्ब है तो मेरे को वो, मेरे को अच्छा लगता था मेरे को चढ़ाता था <laughs> और जब छोकरा था मेरे को इतना अक्कल नहीं जो आज मेरे को समझ में आता है तो मैं बहुत कैरिड अवे हो गया वो मेरे को बहुत कुछ समझाता था, था ये वो और वो रोज रात को है ना काम करके दस साढ़े दस बजे घर में आके मेरे को मिलके रिपोर्टिंग करता था तो मेरे को बहुत अच्छा धंधा एक रुपए का नहीं करता था साला <laughs> लेकिन वो मेरे को बहुत रात को आके मिलता सर मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत उसके लिए एक लगा हो गया और एक एक पर्सनल अटैचमेंट हो गया जब प्रमोशन की बारी आई नाइनटीन में तो मेरे ब्रांच में चार जन का मतलब यू नो प्रमोशन बोर्ड जब हुआ तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे लड़के थे जिनको प्रमोट किया जा सकता था जिनको प्रमोट किया जा सकता था और जो काम भी किए थे टैलेंटेड भी थे लेकिन वो रोज रात को मेरे को हाजिरी नहीं मारते थे रोज मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलते नहीं थे वो लोग एकदम प्रोफेशनल टाइप काम कर रहे थे लेकिन तब मल्होत्रा साहब ने मेरे को बोला देख ये जो अपना बाकी तीन जन को प्रमोट करते हैं विलियम के बारे में तू बोल रहा है उसको प्रमोट करके रहे ग्रुप लीडर मेरे को लगता है संतोष प्रॉब्लम होएगा बाकी तेरी मर्जी ऐसा साहब ने बोला था लेकिन मेरा सलाह वो कौन से घोड़े पे था मेरे को नहीं मालूम मैं बोला नहीं मल्होत्रा साहब ये ज्यादा सिंसियर है ये ज्यादा कमिटेड है ये ज्यादा ऑनेस्ट है ये ज्यादा ये है मैंने अपने मन में उसके बारे में एक बड़ा पिक्चर बना डाला और एक दिन सुबह हम लोगों ने एक दिन शाम को हम लोगों ने प्रमोशन अनाउंस कर दिया कि विलियम परेरा इज ग्रुप लीडर वो दिन शाम को यू you नो know, वो दिन का अगला दिन सुबह ऑन अ सिंगल रेजिग्नेशन लेटर सिंगल रेजिग्नेशन लेटर में मेरा पूरा 29 पीपल ने मेरा जो पूरा 29 मेंबर का जो टीम है वो पूरा टीम ने साथ में एक रेजिग्नेशन लेटर पे रिजाइन किया मतलब वी आई पंकज जोशी सोडा वाटर वाला, विंसेंट अनिल नायक प्रदीप पाटिल ऐसा करके 29 लोगों ने एक ही सिंगल साला पेपर पे, पे ग्रुप रेजिग्नेशन किया पूरा पूरा टीम इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर संतोष नायर का पूरा टीम एक सिंगल साला रेजिग्नेशन लेटर पे रिजाइन कर दिया और मेरे पास आके वो लेटर दे दिया बोले तो सर हम लोग सब छोड़ रहे मेरे इतना मैं डर गया कि क्या अपना इज्जत का क्या होगा इंडिया का नंबर वन ब्रांच मैनेजर पूरा अभी चार पांच महीना भी ईयर को क्लोजिंग के लिए और ये ट्वेंटी रिजाइन किया मेरा संतुलन ही बिगड़ गया क्या करने का और साला वो भी याद आ गया कि साहब ने बोला भी था मल्होत्रा साहब ने बोला भी था तू इसको प्रमोट नहीं करना अपन ने साहब का भी बात नहीं सुना अपना बॉस था वो क्योंकि वो कभी ऐसा दखल अंदाज नहीं करते अपना बात बोल के छोड़ देते थे मैं अपना अकड़ में अपना कौन सा घोड़े पे था मैं मैंने साला इसको प्रमोट किया पूरा ब्रांच रिजाइन कर दिया पहला दो तो घंटा तो मेरे को समझ में नहीं आया करने का क्या मैं साला खुद आत्महत्या करूं भाग जाऊं मैं भी रिजाइन करूं मेरे को नहीं समझ में आया क्या करूं और ये सब बोले तो एक एक साला इंडिया का तोप सेल्समैन लोग तो सेल्समैन लोग एकदम तुर्रम खान लोग टॉप क्लास का क्योंकि पिछले चार पांच साल में इनके अंदर मैंने एक एक क्वालिटी भर भर के मार मार के मार मार के बनाया हुआ रेस के घोड़े रेस के घोड़े और हर रेस का घोड़ा मेरा एकदम साला विनिंग घोड़ा था इन लोग सब और हमारे कंपनी के अंदर जितने भी इंडिया में सेल्समैन थे उन सभी सेल्समैनों से बड़ा स्टार था ये ट्वेंटी लड़के फुल ऑफ डिटर्मिनेशन क्या टीम था सारा दो बज गया दोपहर को क्या करने का समझ में नहीं आ रहा मल्होत्रा साहब तभी ब्रांच में बैठते थे बांद्रा में और मैं बैठता था अंधेरी में दोपहर के टाइम पे उनका फोन आया बोले संतोष यार मेरे को शाम को है ना तेरे को मिलना अपने को है ना वो कुछ उनका कुछ उनका पर्सनल का भी दूसरा काम था उनका फादर का एक बिजनेस था उसके लिए हमको किधर जाना था तो उन्होंने मेरे को फोन किया तो शाम को जरा फ्री है क्या उनको नहीं मालूम लफड़ा हो गया सुबह साले सब रिजाइन किया करके तभी थोड़ी ना एसएमएस मोबाइल बिबाइल मोबाइल आजकल तो कुछ होने के पहले ही सबको मालूम पड़ जाता है तो उनको मालूम ही नहीं था मेरे को बोलता है यार शाम को मेरे को जरा मिलने का छः सात बजे फ्री होएगा तो तू रहेगा तो मेरे को थोड़ा मजा आएगा अपन जाके वो काम खत्म करके आते मतलब सर वो तो बराबर है वो तो अपन जाएंगे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं बोलना बोलना मतलब सर एक प्रॉब्लम हो गया तो बोल बोलना मैं बोला वो मेरे को आपसे मिलना है और मल्होत्रा साहब ने देखा है कि वो मेरे साथ तीन साल ऐसा काम किए तो मैं कभी ऐसा हिला हुआ कभी वो देखा नहीं मेरे को तो मैं बोला सर अभी क्या कर रहे मतलब अभी मैं हेड ऑफिस की तरफ जा रहा हूं शाम को मैं दे मिलता हूं क्यों मेरी आवाज से उनको ऐसा लगा कि मैं शाम तक रुक नहीं सकता मेरे को बोलता है मेरे को ऐसा लग रहा है तेरी आवाज से कि हेड ऑफिस का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा तो टेंशन नहीं ले मैं एक घंटे में पहुंचता हूँ साढ़े तीन बजे के करीब साहब आए ब्रांच में मैं अपना कैबिन में बैठा था तो वो आए मेरे सामने बैठे बोले क्या हुआ तो मैंने पूरी कहानी बताई बोले सर पूरा टीम रिजाइन कर दिया तो मैंने ऐसा बोला मैं सोचा कि वो मेरे को बोलेगा साले कुत्ते तेरे को तो मैंने बोला ही था तेरे को अकल है नहीं वेड लागला तो लो मैं सांगितलं होतं तुझे किड़े साले मेरे को ऐसा देखा उन्होंने मैं बोला सब रिज़ाइन कर दिया सर एक आदमी ने एक आदमी क्या होएगा मेरा फ्यूचर का क्या होगा अपना ब्रांच का क्या होगा करियर का मेरे को ऐसा देखा बोले क्या रिज़ाइन कर दे सब हां तो तो क्या मैं बैठा है ना यार <laughs> so, ऐसा बोला सडनली मेरे अंदर ऐसा एक 200 ब्रांच मैनेजर लोग का हिम्मत है तो चायला साला फिर खड़ा करेगा पर। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला मेरे को ये बोल ये टीम किसने खड़ा किया मैं बोला मैं ये टीम में रिक्रूटमेंट किसने किया मतलब मैंने ये टीम को इतना जबरदस्त पिछले चार साल में किसने बनाया बोलते सर हम लोग सबने मिल के उनको इनको पढ़ाया लिखाया किसने वो सब तूने किया तेरे में अभी भी हिम्मत है क्या करने का बोला है ना सर मतलब फिर कर ना तो टाइम क्यों वेस्ट कर चालू कर चालू कर अभी दो ढाई तीन बज गया ना तीन बज के एक मिनट में पहला आदमी को खड़ा कर तीन बज के पांच मिनट में दूसरा आदमी खड़ा कर और काम चालू कर, क्यों रहा है है कि जो लोगों ने जो एक एक लोगों ने ऐसा मल्होत्रा साहब ने तो आज ये सब बातों ने हमें बनाया है। उसके बाद मेरे ब्रांच जो मैंने उनका डायलॉग पकड़ लिया सलाह में कुछ भी लफड़ा हो गया मैं आंख बंद करके डायलॉग मार देता मैं बैठा है ना प्रॉब्लम सॉल्व करते अपने खाली एक ही डायलॉग मारने का मैं बैठा मैं बैठा मतलब क्या कुछ नहीं सलाह लेकिन वो एक डायलॉग पे आदमी साला 50 आदमी को खड़ा कर देता है तो वो सब जो बातें हैं जो फाइन बातें हैं आज भी मैं इन सब बातों के लिए कृतज्ञ हूं पीके रॉय साहब मेरे दूसरे जो बहुत ही अकोमोडेटिव सेल्समैनों से कैसा मोहब्बत करने का या अखिल मरफतीया साहब ने हमको सिखाया यू you नो know, आग से कैसा आदमी को डराने का सुरेश गोखलन साहब जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर यूरेका फोब्स का उसने सिखाया जब कोई चीज नहीं मालूम तो बिंदास नहीं मालूम बोलने का ऐसा हमारी एक जनरल मैनेजर होती है डिजो बोल के, कुछ उनको नहीं मालूम तो मेरे को फ्रेंकली वो बॉस थी एकदम टॉप की जीएम थी वो मेरे को बोलते नहीं संतोष मेरे को तो ये मेरे को ही नहीं मेरे को आता ही नहीं करने को मतलब ये जो बातें हैं मेरी मां मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मेरा मां यू you नो know, याद है मेरे को मैं रात रात को ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे कभी एक बजे कभी डेढ़ आता था रात को आई अ थक के ग्रैंड रोड से ट्रेन बिन पकड़ के लास्ट ट्रेन बिन पकड़ के मैं अंधेरी उतरता था तो मैं घर पहुंचता था कभी बारह कभी एक कभी दो बज जाता था इतना मैं मेहनत करता बारह एक बजे के पहले तो मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग के दिनों में तो कभी एक दो बजे के नीचे काम ही नहीं किया सब संडे बिंडे सब काम किया तो मैं रात को आएगा बारह बजे तो ये मेरी माँ बैठी पहला मेरे को पूछे कितना सेल हुआ मैं बोला आज दो सेल हो गया अच्छा वेरी गुड खाना फिर वो मेरे साथ बैठ के खाना खाते कभी कभी अपना कम होता था तो मेरे को एकदम बोलती थी देख अपने पास कुछ नहीं था आज तू यहाँ तक आया तेरे में कितना चेंजेस आया अपना देख घर में ये हो गया तेरा बहन का शादी कराया तूने छोटे वाली का शादी कराया तेरा बाप का चला पंद्रह लाख का उधार था वो तूने छुड़ाया अरे तू कर सकता है ऐसा मेरे को ना बहुत मोटिवेट करती थी तब भी और आज भी आज भी मैं आने के टाइम पर उनका पैर पकड़ के आया और मैं बोला आज का प्रोग्राम कैसा होगा बोला बढ़िया होएगा सारा तूने पढ़ाई किया है ना मैंने किया है तो एकदम फर्स्ट क्लास होगा तो आज ये लोग मेरी वाइफ जो इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर है मेरी वाइफ मेरे तीनों बच्चे मेरा बाप मेरा बाप ने मेरे को सिखाया टाइम पे कैसा पहुंचने का पिछले 25 साल में मैं लेट कभी नहीं हुआ मेरे फादर की वजह से एक एक आदमी ने एक एक आदमी के एक एक डायलॉग ने एक एक आदमी की एक एक बातों ने आज संतोष नायर को बनाया और अगर मैं अकड़ जाता हूं कि सगल का नहीं मी जे काये आज फक्त माजस मु और जैसे हम लोग ये डायलॉग मारते हैं यू नो ग्रोथ स्टॉप्स लाइफ टाइम ग्रोथ ऑन द स्पॉट बंद हो जाते हैं और अपन बोरिंग होने चालू हो जाते हैं अपन बोरिंग होने चालू होते सगल का मैंने किया मैंने किया मैंने किया बोलने को जब चालू हो जाता है तो लोग बोर होने चालू हो जाते हैं लोग लंबा होने चालू हो जाते हैं लोग, लोग फिर वो जो चीजें बताते थे वो बताना बंद कर देते हैं, लोग कॉपरेट करना भूल जाते हैं लोग कमिटमेंट के साथ काम करना भूल जाते हैं लोग अपने से लंबा होने चालू हो जाते हैं और सब कुछ खलास होने चालू हो जाता है सो so, जितना ज्यादा सक्सेस जितना ज्यादा सक्सेस और कामयाबी मिले उतना सला कृतज्ञता को डबल करो ग्रेटफुलनेस को डबल करो यू you नो know, अपने कंपनी के लिए यू शुड बी ग्रेटफुल की कई बार है ना, आदमी लोग थोड़ा सा कंपनी में प्रॉब्लम आ जाते हैं तो गाली देने चालू हो जाए प्रोडक्ट को गाली देते हैं कंपनी को गाली देते हैं टीम मेंबर को गाली देते हैं यू नो सिस्टम को गाली देते हैं कृतज्ञ नहीं है कि आज सला तू जिंदा है आज तेरे पास काम है आज तेरे पास इनकम है आज तेरे पास रिकग्निशन है आज सला कोट और टाई डाल के तू खड़ा रहता तो चार आदमी तेरे सामने है आज से दस साल पहले तू कोट और टायर डाल के खड़ा रहता था एक कुत्ता तेरे को पूछता नहीं था यू you नो know? so, आज तेरा मान सम्मान इज्जत शौहरत पैसा अचीवमेंट सब कुछ के पीछे कई हजारों लोगों ने काम किया है रिलेटिव लोग ने मां बाप लोग ने कृतज्ञ रहो उन सबका और जैसे ही आप इस तरह का कृतज्ञता को एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं वैसे वैसे ग्रोथ का स्पीड जो है जबरदस्त स्पीड पकड़ता है ग्रोथ जबरदस्त बिकॉज यू नो जितना आदमी कृतज्ञ रहता है उसके लिए करने के लिए और भी लोगों की इच्छा पैदा हो जाती है जितना आदमी बड़ा बनता है उतना आदमी जमीन पे जाता है जितना आदमी बड़ा बनता उतना आप जमीन पे खड़े रहेंगे ना उतना आपको सपोर्ट उतना ज्यादा आपको कॉपरेशन उतना ज्यादा आपको कमिटमेंट उतना ज्यादा टीम वर्क उतना ज्यादा पैशन के साथ लोग आपके लिए जान लगाएंगे अरे लो गाड़ी लो 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 स्कॉडा लो मर्सडीज लो चलाओ लेकिन मर्सडीज से उतरते टाइम अगर किसी ने तुमसे दो अच्छी बात कही तो खड़े रह के बात कर अकड़ मत अकड़ मत क्योंकि एक जमाने में तू कुछ भी नहीं था अब तू बीस हजार कमा रहा तो एक जमाने में दो हजार भी नहीं था तेरी औकात बहुत सारे लोग अकड़ जाते हैं और जैसे ही अकड़ते हैं लाइफ टाइम ग्रोथ यानी जिंदगी भर का जो ग्रोथ की बातें कर रहा हूं वो स्टॉप हो जाता है एंड दैट इज वाई ये करना बहुत ही जरूरी है माई डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब बातें करना